खान शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए बीता अक्टूबर का महीना काफी बुरा साबित रहा है। शाहरुख खान और उनके परिवार ने बेहद मुश्किल भरे दौर का सामना किया है। 2 अक्टूबर शनिवार की देर रात शाहरुख के बेटे आर्यन खान को एनसीबी की टीम ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। तकरीबन 23 दिनों तक आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद रहे। वहीं शाहरुख खान की तमाम कोशिशों के बाद आर्यन खान को 30 अक्टूबर के दिन मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से रिहा किया गया। फिलहाल शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान पर बखूबी ध्यान दे रहे हैं, उनका खास ख्याल रख रहे हैं और बेटे को लेकर कई अहम फैसले लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी दौरान देखा जाए तो आर्यन खान को लेकर लगातार कई खबरें आ रही हैं। आर्यन खान को लेकर अपने इंटरव्यूज में अक्सर शाहरुख खान ने तमाम बातों को शेयर किया है। बताया है कि कैसे उनके बेटे एक्टिंग की दुनिया में कदम रखना नहीं चाहते हैं, क्या है उनके बेटे का सपना, इन सब चीजों को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं शाहरुख खान। वेल दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे आर्यन खान के सपनों के बारे में। वहीं साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से शाहरुख के एक क्लोज फ्रेंड उन्हें अपने बच्चे की तरह मानते हैं। वेल, जानकारी के लिए आपको बता दें आर्यन खान जो कि काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं, तकरीबन 23 दिनों तक वह जेल में बंद रहे, तो वहीं अपने पूरे परिवार को उन्होंने मिस किया और दूसरी ही तरफ अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को भी। आर्यन खान अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल के चलते भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। बता दें आपको आर्यन खान की एजुकेशन भी काफी जरूरी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आर्यन ने हाई स्कूल की पढ़ाई लंदन के फेमस सेवन ऑक्स स्कूल से की है। वहीं आर्यन के साथ इसी स्कूल में पढ़ाई की है बॉलीवुड की मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा। नव्या और आर्यन दोनों ही क्लासमेट रह चुके हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं। साल 2020 में आर्यन ने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से फाइन आर्ट्स, सिनेमेटिक आर्ट्स, फिल्म और टीवी प्रोडक्शन में डिग्री हासिल की। वहीं शाहरुख खान ने अपने बेटे के सपने के बारे में बताया कि उनका बेटा एक्टर बनना नहीं चाहता है, बल्कि आर्यन खान एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। शाहरुख ने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फेमस सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन से बेटे आर्यन को सिनेमेटोग्राफी की शिक्षा दिलवाई है, वह एक फिल्मकार बनना चाहता है, हम दोस्त हैं, तो मैंने उसे कहा कि जाए और फिल्मों के बारे में जो सीखना है सीखे। मैं कुछ दिन पहले रवि वर्मन से मिला था और मैंने आर्यन को कहा जाओ जाकर उनसे कैमरा का काम सीखो, वह अभी यही सीख रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर आर्यन खान के बारे में, किस तरह से आर्यन खान को बॉलीवुड के सितारे अपने बच्चे की तरह मानते हैं। जब आर्यन खान ड्रग्स मामले में फंसते हुए नजर आए, उस दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे उन्हें खुलकर सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है फेमस फिल्म मेकर करण जौहर का। करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती जग जाहिर रही है। करण जौहर इस मुश्किल घड़ी में भी शाहरुख खान के साथ खड़े रहे। वहीं एक वक्त ऐसी भी खबरें आई थीं कि आर्यन खान फिल्म मेकर करण जौहर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्मों में काम कर सकते हैं। और उस दौरान इंटरव्यू में करण जौहर ने कहा कि आर्यन मेरे बच्चे की तरह है, ये उसे डिसाइड करना है उसे बॉलीवुड में कैसे डेब्यू करना है, मैं डेब्यू को लेकर आर्यन की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे वो गाइडेंस देना हो या फिर फिल्म को डायरेक्ट करना हो। और इस तरह से करण जौहर ने आर्यन खान को लेकर अपने दिल की बात कही। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहे। Yeah.